ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से कुछ ऐसी जानकारियाँ लेकर आई हूँ जो कि हर कोई नहीं जानता है। तो आप लोग जानते हैं कि एकादशी का व्रत जो होता है वो निर्जला रखा जाता है, और अगर आप व्रत करते हैं तो उसके साथ कुछ आपको नियम और कुछ ऐसे कार्य और कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिस तभी आपको ये जो आप निर्जला व्रत रखते हैं तभी आपको फल देगा। तो इसके कुछ नियम होते हैं जो कि हमें एकादशी वाले व्रत के दिन अपनाने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से हमारे नियम हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत ही महत्व होता है इसका, साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार जो एकादशी का व्रत होता है और जो इसको करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए आज हम जानते हैं कि एकादशी के दिन हम क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहला हमारा जो कार्य है कि एकादशी के दिन कभी क्रोध ना करें। हो सके तो आप उस दिन मधुर मीठी वाणी ही आपको बोलने चाहिए। तो इस दिन आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। और हमारा दूसरा जो कार्य है, एकादशी के दिन जब व्रत का उपवास करते हैं तो उन लोगों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज और मसूर आदि निषेध वस्तुओं का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और हमारा तीसरा जो कार्य है कि रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन हमें करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। अब आता है हमारा चौथा कार्य जो एकादशी के दिन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन आप प्रातः लकड़ी का जो दातून होता है, जो नीम का दातून और नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर आप चबा लें और अमली से काठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता आप लेकर उसका सेवन करें। अब हमारा पांचवा जो कार्य है उसको भी नहीं करना चाहिए। यदि हो सके तो, यदि संभव हो तो आप पानी से 12 बार कुल्ला जरूर करें उस दिन। फिर उसके बाद आप स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ या फिर पुरोहित जी से गीता पाठ का अध्ययन कराएं। फिर हम छठवां हमारा जो कार्य है, फिर प्रभु के सामने हमें इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण हुआ कीर्तन भी करना चाहिए, ये प्रण हमें लेना चाहिए। अब आता है हमारा सातवां कार्य, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। अब आता है हमारा आठवां कार्य, भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति आप प्रदान करें। अब आता है नौवां कार्य, यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर आप क्षमा हमें मांग लेना चाहिए। अब आता है हमारा दसवां नियम, हमारा जो दसवां कार्य है, एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि जो होते हैं सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। अब आता है ग्यारहवां नियम, इस दिन बाल हमें नहीं कटवाने चाहिए। हो सके तो दाढ़ी वगैरह जो शेविंग होता है उसको भी हमें नहीं बनवाना चाहिए। और हमारा जो बारहवां कार्य है वो भी क्या होता है कि हमें उस दिन अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। अधिक बोलने से मुख से बोलने वाले जो शब्द भी कभी कभी जो होते हैं गलत निकल जाते हैं। तो अगर संभव हो सके तो हमें उस दिन कम से कम बोलने चाहिए। अब आता है हमारा तेरहवां काम, इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण ना करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। अब आता है हमारा चौदहवां कार्य,
वैष्णवों का योग द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। अब आता है हमारा पंद्रहवां कार्य। एकादशी मतलब 11 दिन के व्रतधारी व्यक्त को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आता है हमारा 16वां कार्य। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। तो हमें इस दिन इन सब फलों का सेवन करना चाहिए। अभी तो आम सीजन है, तो आम भी है, केला भी है, तो आप इसका मतलब सेवन कर सकते हैं। और बादाम, पिस्ता, ये तो हमारे ड्राई फ्रूट है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। अब आता है हमारा 17वां कार्य। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। मतलब जब भी कोई वस्तु हमें अगर खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसको हमें पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर उसके बाद हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। अब आता है हमारा 18वां कार्य। ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा उस दिन देना चाहिए, द्वादशी के दिन। तो दोस्तों, ये है हमारे एकादशी व्रत पालन करने के 18 नियम, जिनको आप ज़रूर करिएगा और इससे आपको काफ़ी अच्छा फल आपको भगवान विष्णु वासुदेव आए देंगे।